हेलो शन, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। ये उन्हीं बच्चों के लिए कहा जाता है जो अंडर EAR 200 चाहते हैं या अंडर 100 आना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं पहले स्क्रीन शेयर करके क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, और आप इसको ध्यान से देखिएगा। एक तो ये क्वेश्चन है कि टू आइडेंटिकल बीम, ए एंड बी आर प्लेन कोहरेंट वेव ऑफ द सेम इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ लैम्डा फॉल ऑन द सिलिंडर स्क्रीन। द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द बीम प्रोपगेशन इज थीटा। कंसीडर अ पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन एट एंगुलर पोजिशन फाइव फ्रॉम द पॉइंट ए एज शोन इन द फिगर। फाइंड द डिस्टेंस इन नैनोमीटर बिटवीन द एडजेसेंट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन नियर द पॉइंट पी। अगर इस पी पॉइंट के पास जो स्क्रीन है, ठीक है, उस स्क्रीन पे जो फ्रिंज विड्थ आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी। एज्यूमिंग डिस्टेंस बीटा बिटवीन द एडजेसेंट फ्रिंज इज मच लेस देन दैट ऑफ रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो वेव ऑप्टिक्स का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दो बीम, एक ए और एक बी, दोनों के बीच के एंगल थीटा है, ठीक है, और ये जो पॉइंट पी है यहाँ पे जो भी फ्रिंजेस दिखाई देंगी वहाँ पे फ्रिंज विड्थ कितना होगा, इसे कैलकुलेट करिए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ वेव ऑप्टिक्स। एक दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि क्रिटिकल एंगल पे बेस्ट क्वेश्चन है, TIR पे बेस्ट क्वेश्चन है। ऑन स्फेरिकल प्लेनेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमोसफियर एज अ फंक्शन ऑफ एल्टीट्यूड एच अबव द सर्फिस वेरी एज एन एच बराबर एन नॉट वन प्लस एच अपॉन टू आर वेयर एन नॉट इज कॉन्स्टेंट। लेजर बीम डायरेक्टली डायरेक्टेड हॉरिजेंटली बट एन आर्बिट्री एल्टीट्यूड फॉलो अ ट्रेजेक्टरी दैट सर्कल द प्लेनेट देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ प्लेनेट। तो एक प्लेनेट है, उससे एच एटीट्यूड पे एक पैरल बीम आ रही है और वो रिफ्रेक्टिव साइज वेरी कर रहा है कि एक सर्टेन हाइट पे वो सर्कुलेट हो रही है पूरे प्लेनेट के चारों तरफ, तो उस प्लेनेट का रेडियस क्या होना चाहिए। ठीक है, चलो दोनों ही क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एक बार अगेन रिपीट कर दूं, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो रियल में चाहते हैं कि हमारी रैंक 200 के अंदर आए या 100 के अंदर आए, तभी अटेम्प्ट करो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, सेम विद द क्वेश्चन ऑफ दिस वन, इसके साथ भी वही है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन। इसके लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलूंगा, ठीक है, और जैसे मैं समझाता हूँ आप वैसे समझिएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक दूसरे एक क्वेश्चन को लूंगा, उससे पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर वहां से मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए व्हाइट बोर्ड पे चलता है। व्हाइट बोर्ड पे आता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपने देखा होगा अक्सर मॉड्यूल में, क्वेश्चन होता है कि ये स्क्रीन है, लेट्स दिस इज स्क्रीन, ये स्क्रीन है और स्क्रीन पे दो बीम ऐसे पड़ रही है, अप्रोक्सीमेट पैरल बीम है और ये एंगल बहुत ही स्मॉल है, दैट इज थीटा, दिस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ऐसे बहुत सारी बीम ऐसी गिर रही है इस पे और ऐसे बहुत सारी बीम ऐसी गिर रही है, मतलब दो बीम है, दो पैरल बीम है इस तरीके से और दोनों के बीच एंगल क्या है, थीटा, एंड थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। व्हाट विल द फ्रिंज विड्थ ऑन दिस स्क्रीन, इस स्क्रीन पे फ्रिंज विड्थ कितना होगा। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करनी थी आपको, वेवफ्रंट से समझाता हूँ और फिर इससे मैं उस क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा। चलिए वेवफ्रंट से समझते हैं।
तो मुझे ये बताइए, बार मैं स्क्रीन को सही से बना लूँ, एकदम सही से देखिएगा, क्योंकि जितना सही से देखेंगे उतना ही बेटर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि एक एक लाइन को आपको समझना होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मार्ट। सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम। जब पूछ रहा फ्रिंज वेड्स बताइए, इसका मतलब क्या है कि दो कंजुगेटिव मैक्सिमा के बीच की दूरी बताइए। तो दो दो कंजुगेटिव मैक्सिमा और दोनों कहाँ पर होना चाहिए, इसी स्क्रीन पर होना चाहिए भाई। इसी स्क्रीन में कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम मिलेगा। लेट्स जहां पे मिल रहा है यही एक मैक्सिमा है, ये एक मैक्सिमा। अच्छा, ये मैक्सिमा अगर होगा इसका मतलब ये हो गया कि इसके और इसके बीच में यहाँ पे जो फेज डिफरेंस आना चाहिए, फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस जो आना चाहिए, पाथ डिफरेंस, वो एन लैम्डा के टर्म आना चाहिए। एन लैम्डा टर्म, ये एन लैम्डा जीरो भी हो सकता है, यहाँ पे जो मैक्सिमा मिलेगा वो एन लैम्डा जीरो भी हो सकता है, या लैम्डा भी हो सकता है, या टू लैम्डा भी हो सकता है, ये आपकी मर्जी है। इधर आप जीरो मान के करो या लैम्डा मान के करो, आप सब आंसर सही आता है। फ्रिंज वेड थी तो निकालना। मान लिया कि ये जीरो ऑर्डर का मैक्सिमम यहाँ बन रहा है, इससे कन्फ्यूज मत होना कि मैं जीरो जीरो बोल रहा हूँ कैलकुलेशन करने के लिए, अदरवाइज मैं लैम्डा बोलूंगा फिर भी आंसर वही लाऊंगा, इसलिए करना वैसे लैम्डा मान के देखना आंसर आएगा ही आएगा। तो मैंने माना कि ये मैक्सिमम बनेगा और ये जो मैक्सिमम है ये जीरो ऑर्डर का बनेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे अगर मैं वेव फ्रंट की बात करूँ तो जो भी वेव फ्रंट्स होगा, ठीक है मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, वेव फ्रंट्स इस वाले लाइन पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये वेव फ्रंट्स है, यहाँ पे ऐसे दिखा दे, तो ये वेव फ्रंट इसका है और इस पे जो वेव फ्रंट बनना चाहिए वैसे बनेगा 90 डिग्री। इसको आगे बढ़ा दीजिए, तो ये तो स्क्रीन ही है। वन सेकेंड, इसको आगे बढ़ा दिए, दिस वन, ये पूरा स्क्रीन ही तो है जहां पे ये वेव फ्रंट जा रहा है। अच्छा, ये अगर बीम वन है और ये बीम टू है। अच्छा, इस बीम वन का मतलब एक लाइन एक रेज नहीं है, इस वन में भी बहुत सारी रेज है, इस टू में भी बहुत सारी रेज है, आपस में पैरेलल। यहाँ की रेज इस बीम की रेज आपस में पैरेलल होंगी, इस बीम की रेज आपस में पैरेलल होंगी। तो इस वाले पॉइंट पी पे ये वेव फ्रंट वन का है और ये वाला ब्लू कलर वेव फ्रंट टू का है, और दोनों के यहाँ पे मैक्सिमम मिला, दोनों का यहाँ पे जब दोनों वेव यहाँ पे इंटरफेयर किए तो यहाँ पे जो नेट पाथ डिफरेंस आया, नेट पाथ डिफरेंस ये जीरो आया, मान लिया जीरो आया, ठीक है। अच्छा बताओ, फ्रिंज को तो इसी स्क्रीन पे कहीं ना कहीं बनना है। अच्छा, ये और इसमें जो वेव फ्रंट होगा, ये जो टू वाला है, नहीं वन वाला का वेव फ्रंट है ना, वन सुनते रहना, एक एक लाइन, तो ऐसे ऐसे वेव फ्रंट्स हैं, ऐसे वेव फ्रंट्स होंगे, ऐसे ऐसी वेव फ्रंट्स होंगे, अच्छा इसका इसके इसके अगर ये दोनों वेव फ्रंट्स हैं कंजुगेटिव हैं तो वेव लेंथ कितना आना चाहिए, पार डिफरेंस लैम्डा बनना चाहिए। वैसे ए भी डिफरेंस क्या आना चाहिए, लैम्डा। अच्छा, ये वन वाले का है, ये वन वाले का है, ये भी वन वाले का है, ये भी वन वाले का है। अच्छा, इस वेव फ्रंट के साथ ये जो वेव फ्रंट्स हैं, जो टू का वेव फ्रंट है, यहाँ पे जीरो ऑर्डर का मैक्सिमा दे रहा है, तो इसी स्क्रीन पे अगला मैक्सिमा मिलना है। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, ये जो ये है आगे बढ़ा दूं और इस वेव फ्रंट के साथ इसको मिला दूं, इसको मिला दूं, तो यहां पे भी तो मैक्सिमा बनना चाहिए भाई। यहां पे मैक्सिमा बन रहा है वो जो डेल्टा एक्स आता है ना, डेल्टा एक्स एन लैम्डा, ये जीरो के करस्पॉन्डिंग बन रहा है, मान लिया यहां पे, तो यहां पे जो बनना चाहिए वो जीरो करस्पॉन्डिंग नहीं होगा, वो एन बराबर वन पुट करेंगे तो लैम्डा करस्पॉन्डिंग होगा। और कैसे लैम्डा आएगा, देखो भाई इसके इसके बीच का पार डिफरेंस यहाँ पे जीरो है, तो मान लो ना ये जीरो ऑर्डर का है, ये भी जीरो ऑर्डर का है, और दोनों का डिफरेंस यहाँ पे जीरो बना रहा है, तो ये जीरो ऑर्डर का यहाँ पे चलेगा जीरो, और यहाँ का लैम्डा चल रहा है लैम्डा लैम्डा लैम्डा, तो यहाँ पे पार डिफरेंस लैम्डा नहीं आएगा,
अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट पे इसका और इसका पावर डिफरेंस जीरो आ रहा है, तो इस पॉइंट पे पता क्या बनना चाहिए? लैम्डा बनना चाहिए, क्योंकि इसके फेज इस पॉइंट पे और इसका फेज इस पॉइंट पे जो डिफरेंस है वो लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जा रहा है, सॉरी वो जीरो के करस्पॉन्डिंग जा रहा है, तो इसके हर पॉइंट पे तो फेज सेम ही होगा ना इस वाले वेव फ्रंट का जो कि जीरो वाला है, और इसका इससे वेवलेंथ ज्यादा होगा, तो इसके तो हर पॉइंट पे वेवलेंथ ही मिलेगा। तो कोई पूछे कि इस पॉइंट पे इस वेव फ्रंट और इस वेव फ्रंट के बीच का फेज डिफरेंस क्या आना चाहिए, तो 2π बनना चाहिए, और पाथ डिफरेंस क्या आना चाहिए? लैम्डा। दिमाग होगा लगा के देखना, तो क्योंकि ये जीरो, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस जीरो बन रहा है, ये लैम्डा आगे है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? लैम्डा यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा। तो ये अगर जीरो ऑर्डर का मैक्सिमा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर का मैक्सिमा बनेगा, और अगला मैक्सिमा पता क्या मिलेगा? इसको एक लैम्डा और बढ़ा दो ऐसे, तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा मिलेगा। तो जीरो ऑर्डर मैक्सिमा, ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, देन व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ यही तो है, वेवलेंथ कर रहा हूँ, विड्थ, फ्रिंज विड्थ यही तो है। व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? फ्रिंज विड्थ इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव मैक्सिम, तो इसके इसके बीच की दूरी फ्रिंज विड्थ कहलाएगी। अब जरा देखना, तो अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो इस इसके और इस वेव फ्रंट के बीच की दूरी यही होगी, एंड दिस विल बी लैम्डा, ये लैम्डा होनी चाहिए, दो वेव फ्रंट के बीच की दूरी लैम्डा कंजुगेटिव है। अच्छा, ये वाला एंगल थीटा है, ये पूरा 90 है, तो ये बनेगा 91 सीटा, तो ये क्या बनेगा? थीटा। क्यों? क्योंकि ये वेव फ्रंट्स है किसके ऊपर? इसके ऊपर। भाई ये थीटा है, ये बनेगा 90 माइनस थीटा। अच्छा, कि ये वेव फ्रंट इस पे 90 है, तो अगर ये एंगल 90 है और ये 90 थीटा, ये क्या बनेगा? थीटा। अगर ये थीटा है तो इसके सामने के एंगल क्या थीटा कहलाएगा? यस, थीटा कहलाएगा। अच्छा, ये फ्रिंज विद डब्ल्यू है और ये थीटा है, ये लैम्डा है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दिस ट्रायंगल? मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डब्ल्यू, लैम्डा अपॉन डब्ल्यू। देन व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? दिस इज लैम्डा अपॉन साइन थीटा, और सिंस दिस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, देन यू कैन से दैट फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा अपॉन थीटा, और यही आंसर भी दिया गया होता है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि मैं फ्रिंज विड्थ कैसे निकाल रहा हूँ, कि यहाँ पे मैक्सिमा निकाला, अगला कंजुगेटिव मैक्सिमा निकालूंगा, ठीक है, उनकी बीच की दूरी स्क्रीन पे होनी चाहिए, स्क्रीन पे बीच की दूरी फ्रिंज विड्थ कहलाएगी, निकाल लिया। द सेम वर्क हम उस क्वेश्चन पे करने जा रहे हैं जो कि एक सिलेंडर पे था। आप क्वेश्चन के बाद रीड कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ। ये है सिलेंडर, और यहां पे एक पॉइंट है, इस तरीके से, एंड दिस एंगल इज थीटा, और ये पॉइंट पी है। पी पे स्क्रीन चाहिए। अच्छा, स्क्रीन कैसा होगा? पी पे जो स्क्रीन होगा ना, स्क्रीन वो इस सरफेस पे टेंजेंट होगा, स्क्रीन को टेंजेंट मारोगे ना, अप्रोक्सीमेट। यहाँ पे स्क्रीन लगभग टेंजेंट नहीं होगी, देखो ये तो स्क्रीन है, ये स्क्रीन लगभग टेंजेंट होगी ना, लगभग। अगर एक सिलेंडर है, कोई पूछे वहां पे स्क्रीन बताओ, तो एक थोड़ा सा आर्क लो ना, अगर एक छोटा सा आर्क लोगे वही स्क्रीन है, तो छोटा सा आर्क क्या इस रेडियस से परपेंडिकुलर नहीं आएगा? आएगा। इसका मतलब स्क्रीन इस पे परपेंडिकुलर होगी। ये जो पॉइंट पी है ना, मैं वहां पे टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, दिस वन इज, तो दिस इज स्क्रीन। अब हम बात करते हैं रेज की। अच्छा, एक जो रेज है, एक जो रेज है वो तो ऐसे आ रही है, इस तरीके से आ रही है, एक रेज ऐसे जा रही है ना, एक बीम ऐसे जा रही है, और एक बीम जो आ रही है इस पे इस तरीके से आ रही है, लेट्स, एक रेज ए है और एक रेज ए है, एंड दिस एंगल इज, अच्छा ये एंगल थीटा क्वेश्चन दिया, ये एंगल उन्होंने फाई दे रखा है, तो फाई लिख लो, ये एंगल उन्होंने फाई दे रखा है, फाइव दे रखा,
ठीक है। अच्छा इस पॉइंट पे, अब इसी स्क्रीन पे, इस पॉइंट पे पी पे कहीं ना कहीं तो मैक्सिमा मिलेगा, तो पी पे मान लिया पहला मैक्सिमा मिला। वो पहला मैक्सिमा किसके करस्पॉन्डिंग है वो भगवान जाने। हो सकता है जीरो करस्पॉन्डिंग हो, या हो सकता है कि वन के करस्पॉन्डिंग हो, डेल्टा एक्स एन लैम्डा में एन जीरो करस्पॉन्डिंग हो या एन बराबर वन के करस्पॉन्डिंग हो। तो मान लीजिए जीरो करस्पॉन्डिंग है, लेकिन वेव फ्रंट तो दिखना पड़ेगा। अच्छा इस वाले रेस पे जो वेव फ्रंट होगा इस वाले पे जो वेव फ्रंट होगा ये होगा, और इस वाले पे जो वेव फ्रंट होगा इस पे परपेंडिकुलर दिखा दो, ऐसे दिखा दो। ये अच्छा, ये अगर वन है, ये वेव टू है, तो इस वन पे वेव फ्रंट आपने, इस वेव पे वेव फ्रंट आपने ये दिखाया है, और इस टू पे वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होगा ना, तो आपने इसे दिखाया। और मान लिया कि इस पॉइंट पे आपको जीरो ऑर्डर का मैक्सिमम मिला, जीरो ऑर्डर, लेट्स इट इज जीरो ऑर्डर, आप वन मानिएगा तभी गलती नहीं आएगी, ये जीरो ऑर्डर मिलेगा। अच्छा ये स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन पे अगला मैक्सिमम, अच्छा ये जो वेव फ्रंट है इससे लेट्स एन वन लैम्बडा दूरी पे, यहां पे दोनों का मैक्सिमम मैं कंसाइड करूंगा और एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि देखो कैसे, ध्यान से सुनते रहना। यहां पे एक परपेंडिकुलर एडसेट ड्रॉ किया, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर मैंने ऐसे ड्रॉ किया इस तरीके से। अच्छा ये टू वाले का है, टू वाले का ये वेव फ्रंट है ना, तो अगला इसका वेव फ्रंट और इसका वेव फ्रंट यहां पे मिले, एक मैक्सिमा यहां मिला और अगला मैक्सिमा यहां मिलेगा। तो मुझे बताओ ये जो डिस्टेंस होगा, अगर इसका ये वेव फ्रंट है यहां पे, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना लिखोगे दोनों, इसका वेव फ्रंट, इसका वेव फ्रंट मिलना चाहिए ना यहां पे, तभी तो मैक्सिमा मिलेगा। तो ये वेव फ्रंट्स की, यहां पे जो वेव फ्रंट्स बनेगा उसकी दूरी मान लो यहां से एन वन लैम्डा है, और यहां से ये जो दूरी होगी ये एन टू लैम्डा दूरी पे हो, तो यहां पे जो पार डिफरेंस आएगा डेल्टा एक्स वो आप क्या लिखेंगे, एन वन लैम्डा माइनस एन टू लैम्डा, तो एन वन माइनस एन टू इंटू लैम्डा बनेगा। अच्छा अगर एन वन एन टू बराबर आ गया तो डेल्टा एक्स जीरो, पता है ये लेंथ और ये लेंथ बराबर पता है कहाँ मिल रहा है, ये लेंथ पता है कहाँ बराबर मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तभी तो आप इसको एन बराबर जीरो बोले थे, यहाँ मिल रहा है, तो एन वन एन टू बराबर हो गए, तो यहाँ पे मिला सेंट्रल मैक्सिमम। अच्छा ये सेंट्रल मैक्सिमम है, तो ये वाला फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बने, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बने ये वाला, तो इसके लिए एन वन माइनस एन टू क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए ना, वन आना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर, हाँ अच्छा एक काम करते हैं, चलो मतलब मैं ये कह सकता हूँ फॉर फ्रिंज विड्थ, ये जो डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज विड्थ तब बनेगा जब एन वन माइनस एन टू क्या बनेगा, वन, क्योंकि यहां पे एन वन माइनस एन टू मैं जीरो बता रहा हूं, तो पहला ब्राइट फ्रिंज यहां बन गया, और यहां पे दूसरा, सॉरी ये जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज बना, यहां पे फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज तब बनेगा जब एन वन माइनस एन टू वन बनेगा। तो उस केस में ये मैक्सिमा इस मैक्सिमा को जो बीच की दूरी आएगी, दिस वन इज फ्रिंज विड्थ, ये डिस्टेंस आपका फ्रिंज विड्थ कहलाएगी, ये फ्रिंज विड्थ, ये डिस्टेंस फ्रिंज विड्थ कहलाएगी कब, जब एन वन माइनस एन टू वन होगा। अब अभी एक क्वेश्चन है कि सर ये तो पॉइंट पी भी बन रहा है, तो क्या हवा बन रहा है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये पॉइंट टू भी बेसिकली इसी स्क्रीन पे है, क्यों, क्योंकि वेवलेंथ इतना कम है ना, इतना कम है कि ये दूरी इतनी कम हो जाएगी, ये दूरी इतनी कम हो जाएगी कि पॉइंट टू तुम्हें इतना दूर ना दिख के उसी स्क्रीन पे दिखेगा, उसी स्क्रीन पे दिखेगा। अब चलो अब एंगल थोड़ा निकालते हैं, मुझे ये बताओ एंगल के कैलकुलेशन के लिए, ये एंगल फाई है और ये पूरा 90 है ना, इस वाले स्क्रीन पे ये रेडियस है सेंटर से पास कर रहा है, तो इस पे स्क्रीन ये नॉर्मल है, तो अगर ये फाई एंगल है,
ये 90 एंगल है, 90 डिग्री है ना, तो ये कितना आएगा, 90 माइनस फाइव। अच्छा ये 90 माइनस फाइव है, इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो, तो ये बनेगा दिस इज, ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, ये पूरा बनेगा 90 माइनस फाइव, ये पूरा 90 माइनस फाइव नहीं बनेगा, देखो ये फाइव है ये 90, तो ये बनेगा 90 माइनस फाइव, ये लाइन आगे बढ़ा दो, ये लाइन आगे बढ़ा दो, ये बनेगा 90 माइनस फाइव, ये पूरा 90 है, तो ये क्या बनेगा फाइव, दिस एंगल इज फाइव। अच्छा मुझे बताओ ये वाला एंगल थीटा है और इस टू पे ये वाला टू नॉर्मल है, वेव फ्रंट है, तो अगर ये थीटा है तो ये क्या बनेगा 90 माइनस थीटा, बनेगा 90 माइनस थीटा, हाँ ये बनेगा 90 माइनस थीटा। अच्छा मुझे बताओ ये 90 है, हाँ तो ये क्या बनेगा दिस इज थीटा, थीटा समझ रहे हो कैसे, देखो ये पूरा का पूरा 90 है, ये पूरा पूरा 90 है, तो कोई पूछे अगर ये पूरा 90 है उसमें ये थीटा एंगल है, कोई पूछे ये दिस इज 90 माइनस थीटा, अच्छा इसमें अगर ये 90 माइनस थीटा है तो क्या बनेगा थीटा। अच्छा अब बात करते हैं इस ट्रायंगल में, तुम मुझे बताओ ये डिस्टेंस एन वन लैम्डा तुम कैसे निकालोगे, एन वन लैम्डा इज इक्वल टू ये डब्ल्यू है और ये थीटा प्लस ये फाइव प्लस थीटा, तो एंगल के समय साइन कहलाएगा ना, तो बनेगा डब्ल्यू साइन थीटा प्लस फाइव। अच्छा वैसे ये एंगल फाइव है, ये एन टू लैम्डा, ये दूरी ये विड्थ है, तो ये दूरी एन टू लैम्डा किसके बराबर आएगा, एन टू लैम्डा इज ये डब्ल्यू है ये फाइव है, तो दिस इज डब्ल्यू साइन फाइव। अब इसमें से घटा दो या इसमें से घटा दो, तो बनेगा एन वन माइनस एन टू इंटू लैम्डा डब्ल्यू, ये बनेगा साइन थीटा प्लस फाइव माइनस साइन फाइव। अच्छा ये फ्रिंज विड्थ कब बनेगा, ये फ्रिंज विड्थ तब बनेगा जब एन वन माइनस एन टू वन बनेगा, तो इसके जगह पे वन प्लेस कर दो वन, तो इससे फ्रिंज विड्थ की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज लैम्डा अपॉन साइन थीटा प्लस फाइव माइनस साइन फाइव, दिस इज फ्रिंज विड्थ। एक बार फिर क्वेश्चन में मैं चला जाऊं, क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा है कि फाइव 15 डिग्री है, थीटा 60 डिग्री है, फाइव 15 और थीटा 60 डिग्री, इसे वैल्यू प्लेस करो, थीटा इधर पे 60 और फाइव की जगह पे 15 डिग्री, और उन्होंने दिया रखा है वेवलेंथ कितना है रूट टू नैनोमीटर है, तो रूट टू नैनोमीटर प्लेस कर दो, ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ओके इस तरीके से मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये काम करो इसकी वैल्यू निकालो तो कितना आएगा, इसकी वैल्यू आएगी ये क्या है साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस डी क्या होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, इसको इसको जोड़ दो बाई टू करोगे तो बनेगा थीटा बाई टू प्लस फाइव साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, तो फाइव फाइव कटेगा ये बनेगा थीटा बाई टू, लैम्डा रूट टू नैनोमीटर है, अच्छा ये बन गया टू, अच्छा थीटा बाई टू 30 बनेगा और ये 15 ये बनेगा कॉस 45 डिग्री और ये साइन थीटा बाई टू, थीटा कितना 60 बाई टू इट इज 30 डिग्री, तो ये बनेगा 1 बाई रूट टू, तो रूट टू इसे कट कर देगा टू, दिस आंसर इज 2 नैनोमीटर, तो फ्रिंज विड्थ 2 नैनोमीटर। तो मुझे बताओ ना इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी 2 नैनोमीटर है, तो क्या वो इस स्क्रीन पर नहीं होगा, इस सिलेंडर पर होगा, अप्रोक्सीमेट डी आर थिकनेस का होगा, स्ट्रिप इसी स्ट्रिप पे कहीं ना कहीं होगा मैक्सिमम, तो उसके इसकी बीच दूरी क्या है 2 नैनोमीटर, आंसर इज 2 नैनोमीटर। ओके ओके इसके बाद अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये भी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है और इसको भी आपको ध्यान से सुनना होगा, और ये है देखिए ऑन अ स्फेरिकल प्लेनेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर एज अ फंक्शन ऑफ एल्टीट्यूड एच अबव द सरफेस वेरी अकॉर्डिंग टू दिस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे वेरी कर रहा है, एनर्ट इज कॉन्स्टेंट, लेजर बीम डायरेक्टेड अर्जेंटली बट एन आर्बिट्री एल्टीट्यूड फॉलो अ ट्रेजेक्टरी दैट सर्कल द प्लेनेट, व्हाट इज द रेडियस ऑफ प्लेनेट, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं।
तो दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 7। ओके तो फिर हम चलेंगे व्हाइट बोर्ड पे। तो व्हाइट बोर्ड पे एक स्फेरिकल प्लेट बना दिया और इससे h एल्टीट्यूड पे एक सर्कल बनाया और अगला सर्कल मैंने dh एल्टीट्यूड पे बनाया। इस तरीके से देखिए कह रहा है कि यहां पे एक रेज हॉरिजॉन्टल आ रही है। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे एक रेज हॉरिजॉन्टल आ रही है ऐसे, ठीक है। जो रेज हॉरिजॉन्टल आ रही है इसके अकाउंट सर्कल बना रही है, सर्कल बना रही है, सर्कल। इसका रेडियस को मैंने स्मॉल आर मान लिया और ये एच हाइट पे है ये वाला सर्कल, ठीक है। ओके गुड। यहां पे जो रेज आ रही है वो इसके अबाउट सर्कल बना रही है, तो बताइए इसका रेडियस कितना होगा जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, एन बराबर एन नॉट वन प्लस एच अपॉन टू आर को फॉलो कर रहा है। आर इज एनी वैल्यू, कैपिटल आर इज नॉट ए रेडियस, एच इज एल्टीट्यूड बट आर इज कॉन्स्टेंट, रेडियस इज स्मॉल आर। अच्छा एच हाइट पे ये सर्कल है। अच्छा ये बताओ यहाँ पे जो रेज हॉरिजॉन्टली जा रही है, एकदम सुनना सही से, यहाँ पे जो रेज हॉरिजॉन्टली जा रही है, मैं कलर चेंज कर दूँ, यहाँ पे जो रेज हॉरिजॉन्टल हो रही है, हॉरिजॉन्टल हो रही है, फिर यहाँ से टी आई आर पास है, फिर आ जाए ऐसे, यहां से टी आर पा जाए, फिर आ जाए यहां पर, फिर यहां से टी आर पा जाए, आ जाए ऐसे, फिर वो यहां से टी आर पा जाए, ऐसे टी आर पाजा। और मुझे बताओ रेज अगर ऐसे भागे, रेज ऐसे भागे, अगर मैं कहूं कि ये थिकनेस, ये जो थिकनेस है ना, इट इज डी एच, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ये डॉट पॉइंट और इस डॉट पॉइंट में ये जो गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, क्या इतना बड़ा होगा? नहीं, ये गैप बहुत कम हो जाएगा। तो जो इस तरीके से गैपिंग दिख रही है ना, इस तरीके से गैपिंग दिख रही है, ये ऐसे, वो ऐसे नहीं दिखेगा, वो अप्रोक्सीमेट आपको सर्कल बनता नजर आएगा। अगर ये दूरी बहुत कम हो जाए, इट इज डी एच वेरी वेरी स्मॉल, अगर ये बहुत कम हो जाए तो मैं कहूंगी कि डॉट पॉइंट अप्रोक्सीमेट यहीं पे होगा, तो क्या आपको ये एक सर्कल जैसा नजर आएगा? हाँ, आप कहेंगे यस सर्कल जैसा नजर आएगा। यहां पर यही हो रहा है। तो मैंने पता क्या सोचा, मैंने ये सोचा ना कि यहां से लेके यहां तक वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रही, फिर इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू चेंज हो गई। तो अगर मैं कहूं कि यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो एन है, तो इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोला मैंने, एन प्लस डी एन बोला। क्यों? क्योंकि दिस इज वेरी वेरी स्मॉल। मैंने माना कि एच से लेके डी एस तक चीजें सेम है, फिर अगले डी एस में चेंज हो गया उसके अंदर, फिर उस अगले डी एस में और चेंज हो गया। मैथमेटिक्स में जब तुम ये बात बोलते हो ना कि x पे जाके मैंने dx की स्टीप लिया, तो इस स्टीप के हर पॉइंट पे वैल्यू लगभग बराबर मानते हो और अगले dx में उसको चेंज कर देते हो। हाँ, यहां की वैल्यू वापस से होगी बट इससे डिफर करेगी थोड़ी सी, फिर या अगले dx में जो आएगी यहां की जो वैल्यू आएगी वो इससे डिफर करेगी, इससे तो और ज्यादा डिफर कर जाएगी। तो हर dx dx स्टीप में हम लोग क्या मानते हैं, वैल्यू को अप्रोक्सीमेट से मानते हैं।
इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इस रीजन में, इस डीएच के रीजन के हर पॉइंट पे मैं रिफ्रैक्टमेंट एन मानूंगा, और जस्ट उसके बाहर एन प्लस डी एन, भाई एच प्रिमिटेंस एन है तो एच प्लस डीएच, एच प्लस डीएच के बाहर एन प्लस डी एन तक जाएगा, लेकिन कितने लेंथ पे जाएगा, अगले डीएच तक जाएगा, फिर अगले डीएच पर चेंज, और डीएन 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 का चेंज चलेगा, तो यहां से लेके यहां तक एन, फिर यहां से अगले डीएच तक एन प्लस डीएन, फिर अगले डीएच तक एन प्लस टू डीएन, ऐसे चलेगा। अब चलो यहां से टी आई आर होना है, इसका मतलब ये जो एंगल आना चाहिए, अगर मैं इसके सेंटर से इसको मिला दूं तो ये एंगल क्या बनना चाहिए, ये एंगल बनना चाहिए क्रिटिकल एंगल थीटा सी बनना चाहिए, ये क्रिटिकल एंगल थीटा सी बनना चाहिए। ताकि यहाँ पे टी आई आर बजाय ये ऐसे चले, अगर ग्रेजुअली चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पे जाते जाते जस्ट टी आर को टच करेगा यहाँ पे, तभी तो सर्कल बनता जा रहा है, तो यहाँ पे जस्ट टी आई आर यहाँ से होना चाहिए, और ये थीटा सी अटेंड करेगा, तो ये टेंजेंट नंबर के जब रही, तो अब तुम्हारे लिए नहीं आना चाहिए सर ऐसे जाएगा ना तो टेंजेंट, हाँ बट कहीं क्यों टेंजेंट, जब एक बार टी आई आर हो रहा है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा ना, तो थीटा सी पे टेंजेंट अधिकार एक फाइन रेज होगी जो ऐसे बनेगी, लेकिन मैक्सिमम रेज जो ऐसे आएंगी वो यहाँ से क्या पाएंगे, टी आई आर पाएंगे, तो दिस एंगल इज अगेन थीटा सी, थीटा एंगल। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा सी इज इक्वल टू वन अपान म्यू रिलेटिव, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में, तो बनेगा एन अपान एन प्लस डी एन, तो एन प्लस डी एन करेंगे तो एन प्लस डी एन ऊपर चला जाएगा, ये बन गया इतना। ओके अच्छा, इस ट्रायंगल में मैं साइन थीटा सी क्या लिख सकता हूँ, दिस लेंथ अपान दिस लेंथ। अच्छा ये लेंथ कितना होगा, अगर ये आर है और एल्टीट्यूड एच दूरी पे ना, तो साइन थीटा सी होगा दिस लेंथ, दिस इज आर प्लस एच एंड डिवाइड बाई दिस डिस्टेंस। अच्छा ये डिस्टेंस क्या होगा, ये तो दूरी आर है, लेकिन ये दूरी क्या होगा, आर प्लस एच प्लस डी एच होगा ना, ये एच है और ये डी एच के गैप है, तो आप क्या लिखेंगे, आर प्लस एच प्लस डी एच, तो साइन थीटा सी इज दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, एंड दिस इज, इसको लिख सकते हैं वन प्लस डी एन अपॉन एन, लिख सकता हूँ। अच्छा यहाँ से आर प्लस एच कॉमन निकाल लूँ, तो बनेगा वन अपॉन आर प्लस एच कॉमन, इसे कैंसिल होगा, तो बनेगा वन प्लस डी एच अपॉन, कैलकुलेशन चेक कर लेना, तो मुझसे मिस्टेक होता है, वन प्लस डी एन अपॉन एन। अच्छा इसको ऊपर भेज दो तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा वन प्लस डी एच अपान आर प्लस एच का पावर माइनस वन बनेगा, अरे आर प्लस एच कॉमन निकाला तो बनेगा वन प्लस डी एच अपन आर प्लस एच, ऊपर जाएगा तो बन जाएगा। अच्छा इसको बाइनोमियल एक्सपेंड कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि डी एच इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू दिस वन, दिस वन इज वन माइनस डी एच आर प्लस एच इज वन प्लस डी एन अपान एन, वन से वन कटेगा। अब मैं इस पूरे को यहां से हटा दूं कैलकुलेशन करने के लिए, देखिए तो यहां से प्रूफ हो क्या आया, डी एन अपान एन इज इक्वल टू माइनस डी एच अपान आर प्लस एच। अच्छा इसको इधर भेज दो, इसके इधर भेज दो, तो बनेगा डी एन अपान डी एच इज इक्वल टू माइनस एन अपान आर प्लस एच। अच्छा n बराबर n नॉट अपान दिस है ना, तो इस n को तुम क्या लिख सकते हो, इस n को लिख सकते हो n नॉट वन प्लस एच अपान टू आर का पावर माइनस वन। अब डी एन अपान डी एच निकालना है, तो इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो h के रिस्पेक्ट में, तो ये बनेगा n नॉट वन प्लस एच अपान टू आर, कैलकुलेशन चेक करो ना, वो मुझसे मिस्टेक हो सकता है, माइनस टू, और इसका डिफ्रेंशिएटिंग h के रिस्पेक्ट में, तो वन अपॉइंट टू आर मल्टीप्लाई आ जाएगा इक्वल टू, और माइनस साइन तो आएगा ही, ये माइनस वन यहाँ आ जाएगा, तो ये माइनस साइन यहाँ पे इस माइनस को कट करके बना देगा एन आर प्लस एच। अच्छा इस एन की जगह पे मैं ये प्लेस कर सकता हूँ, हाँ तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एन नॉट
और ये वन प्लस एच अपान आर, ये ऊपर जाकर बनेगा वन प्लस एच अपान टू आर का पावर माइनस वन, ये एन नॉट इसे कट जाएगा और ये पूरा टर्म इसे कट करके माइनस वन में कन्वर्ट कर देगा। ओके अब एक काम करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो बनेगा टू आर प्लस एच अपान टू आर का पावर माइनस वन, ये टू आर इधर भेज दो तो बनेगा टू आर अपान आर प्लस एच बन गया। अच्छा इसको मैं चाहूँ तो इन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको मैं चाहूँ तो इन्वर्ट कर सकता हूँ, तो इसको इन्वर्ट कर दो, इसको इन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा, टू आर अपान टू आर प्लस एच इज इक्वल टू टू आर अपान आर प्लस एच, ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, एस एच कटेगा, आर क्या आएगा कैपिटल आर। इसका मतलब ये जो प्लेनेट है उसका रेडियस क्या होना चाहिए, कैपिटल आर होना चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल आर का प्लेनेट है जो कि एक सर्टेन एल्टीट्यूड उससे एच हाइट पे एक रेज जा रही है और रेज उसके चारों तरफ सर्कुलेट हो रही है और उसका रिफ्रैक्टमेंट इस फॉर्मूले को गवर्न करना चाहिए। ओके तो आंसर इज कैपिटल आर। ओके तो अब मैं मीटिंग एंड करता हूँ, दोनों ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे।